हेलो दोस्तों, मैं हूं राज यादव और आप देख रहे हैं यूट्यूब मिस्ट्री। आज हम आपके लिए लाए हैं फर्स्ट ब्रेक फॉर रीजन मैटर। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, फर्स्ट ब्रेक कहां से हम लेते हैं, क्यों हम फर्स्ट ब्रेक से फॉर रीजन मैटर को अलग करते हैं, क्यों इसका परसेंटेज निकालते हैं, हमारे चक्की आटा, मील आटा, मैदा, रवा पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, एस पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, कलर पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे प्रोडक्ट चक्की आटा, मील आटा, इनसे बनने वाले प्रोडक्टों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इस बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो हम 1 kg एक सैंपल फर्स्ट ब्रेक का लेते हैं। उस सैंपल में से फॉर रीजन मैटर अर्थात इम्प्यूरिटी उसमें से छांट लेते हैं और उसमें से कई तरह की इम्प्यूरिटी निकलती हैं, कई तरह की अशुद्धियाँ निकलती हैं। ये क्लीनिंग सेक्शन के बाद का सैंपल होता है, क्योंकि क्लीनिंग सेक्शन सफाई के बाद सैंपल कुछ मशीनों में प्रॉब्लम के कारण इस तरह के फॉर रीजन मैटर आ जाते हैं। फर्स्ट ब्रेक के सैंपल से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे क्लीनिंग सेक्शन की कौन सी मशीन प्रॉपरली सही से काम नहीं कर रही है और उसका मेंटेनेंस कर सकते हैं। फर्स्ट ब्रेक फॉर रीजन मैटर के कारण सबसे बड़ी प्रॉब्लम सूजी में आती है। सूजी में पत्ती और ब्लैक पार्टिकल आ जाते हैं जो उसकी क्वालिटी को ख़राब कर देते हैं। इससे एस बढ़ जाती है और हमारे मैदा, रबा, चक्की आटा, इनके कलर भी काफ़ी डाउन हो जाते हैं, जिससे क्वालिटी के स्टैंडर्ड पास नहीं कर पाते। दोस्तों, देखा आपने कि फॉर रीजन मैटर के कारण हमारे प्रोडक्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और जो नए दोस्त हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के घंटे को दबाएँ, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। दोस्तों, यूं ही हमारे चैनल को प्यार देते रहिए। हम फिर मिलेंगे एक नई टेस्टिंग के साथ और आपके स्वास्थ्य, आपकी अच्छी सेहत की कामना करता हूं। आप हमेशा अच्छा भोजन करिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा सकारात्मकता के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो इस वीडियो का टारगेट है 500 लाइक। तो हमें पता है कि 500 लाइक आप 24 घंटे में पूरे कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।